Hello everyone, my name is Shubham Singh Hanya and I am your mentor for UGC NET, Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. So आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पेपर 1 के, दैट इज़ हायर एजुकेशन. अब हायर एजुकेशन में कुछ काफ़ी सारे नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं सिलेबस में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो आज हम कुछ ऐसे ही तीन टॉपिक्स लेने वाले हैं इस वीडियो में, दैट इज़ प्रोफेशनल, टेक्निकल एज वेल एज स्किल बेस्ड एजुकेशन. सो इन तीनों टॉपिक्स के बारे में समझेंगे. इसमें काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं या फिर आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी चेक कर सकते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो प्रोफेशनल, टेक्निकल या फिर स्किल बेस्ड एजुकेशन है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट की क्लैरिटी हो सके. इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर दिए गए आई कार्ड लिंक पर क्लिक करके आप हमारे चैनल अनुज जिंदल UGC NET को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें. तो पहले बात करते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में. सो प्रोफेशनल एजुकेशन आप सबने सुना होगा कि काफ़ी सारे इंडिया में प्रोफेशंस हैं, बी डॉक्टर्स, बी टीचर्स, बी लॉयर्स. तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं. तो प्रोफेशनल एजुकेशन होता है स्टूडेंट जब आप कहीं से स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं और उस ट्रेनिंग या फिर नॉलेज एंड स्किल्स को यूज़ करते हैं कोई भी किसी भी टाइप की सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, एंड इन रिटर्न ऑफ दो सर्विसेज यू आर पेड कंपेंसेशन. तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये ध्यान दी कि आप किसी स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम डॉक्टर्स के बारे में बात करें तो डॉक्टर्स ट्रेनिंग लेते हैं मेडिकल इंस्टीट्यूट से. अगर लॉयर्स की बात करें तो लॉयर्स ट्रेनिंग लेते हैं कोर्ट से, डिफरेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करके. तो इसी तरीके से आपको एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. नेक्स्ट हम इसे प्रोफेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मल क्वालिफिकेशन होती है. आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेके, प्रॉपर इंटर्नशिप्स करके, प्रॉपर एक एग्जाम को क्लियर करके आप इस पर्टिकुलर डिग्री को हासिल करते हैं, जिसके बाद ही आप कहलाते हैं कि आप एक प्रोफेशनल हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लॉ की बात करूं तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो इनका टेस्ट होता है वो टेस्ट क्वालिफाई करना होता है. सिमिलरली अगर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, तो उनको ICAI बॉडी के एग्जामिनेशन को क्लियर करना होता है, प्रॉपर अपनी आर्टिकलशिप एंड ट्रेनिंग करनी होती है, उसके बाद ही उन्हें प्रॉपर डिग्री मिलती है. अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे ये है कि जो प्रोफेशनल डिग्री का कंसेप्ट है या फिर जो प्रोफेशनल डिग्री का पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल स्किल लेना नहीं है, बल्कि ये भी है कि आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आप निभाएं सोसाइटी की तरफ. क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशन में होते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते, जबकि आप वैल्यू क्रिएशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग ऑफ सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम टीचर्स की बात करें तो टीचर्स का काम सिर्फ आपको नॉलेज इंपार्ट करना नहीं होता, बल्कि ह्यूमन एज वेल एज मॉरल वैल्यूज भी सिखाना होता है. तो इससे हमें पता चलता है कि प्रोफेशनल एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल नॉलेज इंपार्ट करने के लिए नहीं बना है, रादर मॉरल एंड सोशल सिग्निफिकेंस भी है उसका. कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे प्रोफेशनल आइडियोलॉजी के बारे में. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि इट इज़ अ हाई डिग्री ऑफ स्किल और नॉलेज. तो जब भी आप किसी प्रोफेशनल से मिलेंगे या आप किसी प्रोफेशन के अंदर होते हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपके अंदर काफ़ी अच्छी डिग्री ऑफ स्किल ऑफ नॉलेज है ताकि आप उसे प्रॉपरली डिलीवर कर सकें. सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि सेकेंड क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या फिर क्लेम होता है प्रोफेशनल बॉडी का, तो वो ये होता है कि देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ सेल्फलेसनेस. अभी हमने बात करी है टीचिंग प्रोफेशन की. सो टीचिंग प्रोफेशन में जब आप आते हैं, जब आप लोगों को नॉलेज और स्किल्स इम्पार्ट करते हैं, सो जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट तक सीमित नहीं होती है, बल्कि मॉरल वैल्यूज़, एक बिहेवियरल चेंजेस जो स्टूडेंट का लाना होता है, ये भी आपसे उम्मीद की जाती है कि आप प्रॉपर स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे और उनके प्रॉपर बिहेवियरल सेटअप में हेल्प करेंगे. इसी तरीके से अगर हम डॉक्टर्स के बारे में बात करें तो सिर्फ डॉक्टर्स का काम ये नहीं होता कि वो सामने वाले पेशेंट की बीमारी को ठीक कर दें, रादर एक मॉरल कंसिडरेशन भी होता है टुवर्ड्स हिज लाइफ, टुवर्ड्स हिज वेलबींग. तो ये काफ़ी सारा चीज़ें हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है. जो प्रोफेशंस होते हैं उनका काम इतना ज़्यादा टेक्निकल होता है कि कोई नॉर्मल इंसान उसको रेगुलेट नहीं कर सकता, इसलिए उसकी रेगुलेटरी प्रॉपर बॉडीज़ होती हैं जो उनके गलत एक्शंस पे या फिर गलत परफॉर्मेंस पे उनको रेगुलेट करती हैं, या फिर कोई उनके ही प्रोफेशन का कलीग होना चाहिए या फिर कोई सीनियर होना चाहिए जो उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सके. तो अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक प्रोफेशन का, क्योंकि अगर हम इसे मॉनिटरिंग नहीं करते हैं तो कोई भी स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं हो पाएंगे और उस प्रोफेशन की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगी. तो ये तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमें ध्यान रखते हैं. आगे बात करते हैं कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वो आप रेगुलर एज वेल एज ओपन यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ जगह फॉर्मल एजुकेशन है जहां पे आपको रेगुलरली कॉलेज जाना पड़ता है, और कुछ ओपन यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि अगर ICAI जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के बारे में बात करें या फिर ICSI दैट इज कंपनी सेक्रेटरीज कोर्स के बारे में बात करें, तो ये ओपन लर्निंग के थ्रू ही किए जाते हैं, जिसमें आप एक इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं एंड फिर कॉन्टिन्यूसली एग्जाम्स देते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए हम मेडिसिन, लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इन सब चीजों के बारे में एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो एक प्रोफेशनल कंडक्ट आपको मेंटेन करना होता है, कोड ऑफ कंडक्ट जिसे हम कहते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपको किस टाइप की प्रिंसिपल्स का फॉलो करना है, किस टाइप के एथिकल नॉर्म्स को फॉलो करना है। तो हर प्रोफेशनल बॉडी अपना खुद का एक अलग कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, एक नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स बनाती है, जिससे आपको अबाइड रहना पड़ता है इन ऑर्डर टू बी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। अब यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल से कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, कुछ फॉर्म्स ऑफ प्रोफेशन का। सो पहला है द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश अंडर द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 एंड फाइनली अमेंडेड इन द ईयर 1993। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस या फिर प्रोफेशनल बॉडीज़ के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेजरली आपको कुछ ईएस पता होने चाहिए और उनका बेसिक फंक्शन पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बात करूँ तो कोर्स क्या होगा, पीरियड ऑफ द स्टडी क्या होगी, क्या ड्यूरेशन होगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, उससे रिलेटेड सारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपको क्वालिफाई करते हैं कि आप एक मेडिकल प्रोफेशनल बन सकें, ये सारी की सारी स्पेसिफाई करने का काम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का होगा। सिमिलरली जो स्टाफ है, स्टाफ की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, किस टाइप की अकोमोडेशन होगी, किस टाइप की ट्रेनिंग फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, इससे रिलेटेड सारे नॉर्म्स मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ही बनाता है। सिमिलरली क्वालिफिकेशन ऑफ एग्जामिनर्स, जो लोग आपका ये एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, जो आपका पेपर सेट कर रहे हैं या फिर जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। सो मैं एक बहुत सिंपल सेंस में बोलूँ समराइज फॉर्म में कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होगा वो मेडिकल से रिलेटेड सारे नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स को डिवाइस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सिमिलरली मेडिकल काउंसिल का ये भी काम होगा कि अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्शन देना चाहती है फॉर कमिंग अप विद न्यू मेडिकल कॉलेजेस, तो सिंस सारी की सारी जो गाइडलाइंस हैं, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, इसके बारे में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को पता है, तो इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ गाइडिंग लैम्प फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनको बता सकती है कि हमारी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है तो आप नए नए मेडिकल कॉलेजेस ला सकते हैं। सिमिलरली कुछ इंस्टीट्यूट्स का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जी हाँ एम्स, इसके बारे में हमें हम सबको पता है, जो कि न्यू दिल्ली में है। एंड द सेकेंड इज सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज इन बैंगलोर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स के लिए बताए गए हैं कि ये कुछ टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं। नेक्स्ट बात करें बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है फॉर लॉयज इन इंडिया। सो सिमिलरली इसका भी सेम फंक्शन रहेगा एंड इट इज एस्टैब्लिश अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961। जितने भी प्रोफेशन होते हैं वो एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू लाए जाते हैं ताकि वो प्रॉपरली आपको रेगुलेट कर सकें और जो भी उनकी स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसे वो स्पेसिफाई कर सकें। अब यहाँ पे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि अगेन बार काउंसिल ऑफ इंडिया विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कंडीशंस जो भी रिक्वायर्ड है आपको प्रैक्टिस करने के लिए या फिर एडवोकेट बनने के लिए। तो उससे रिलेटेड जितनी भी नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बार काउंसिल के अंडर आ जाएगी। आगे बात करें अगर ICAI दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रेगुलेट करने के लिए, ये आई थी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जुलाई 1949 एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। सो अगेन यहाँ पे बस आपको ईयर याद करने की जरूरत है कि वो किस पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेट करता है और क्या उसका मेजर फंक्शन होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि सारा का सारा जो गवर्नेंस होगा, जो भी नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स होंगे, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना होगा, ये सारा का सारा जो टास्क होगा ये सारा का सारा ICAI देखेगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे हम आपको बता दें कि द ICAI इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द वर्ल्ड। सो आप देख सकते हैं कि कितना कोवेटेड प्रोफेशन है, कितने ज़्यादा डिमांड है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की आजकल, बिकॉज चाहे आप अपने टैक्स की बात करें, चाहे आप अपनी अकाउंटिंग की बात करें, ये सारा का सारा काम बेखूबी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही निभाते हैं। एंड विद टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रोइंग डिमांड ऑल्सो इन टर्म्स की बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, ऑडिट सर्विसेज हो गई। सो अगेन इन सारी चीज़ों की वजह से भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत ज़्यादा इनरोल करा रहे हैं अपने आप को और काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लें अगर प्रोफेशन के बारे में तो वो है ICSI दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अगेन इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो कंपनी सेक्रेटरीज प्रोफेशन को प्रमोट करे एंड इट वाज सेट अप अगेन एज अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दैट इज कंपनीज एक्ट 1980। सो आपको यहाँ पे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेजर उस एक्ट के ईयर्स याद कर सकते हैं कि कौन से ईयर में वो एस्टैब्लिश हुआ था एंड फाइनली क्या उसका पर्पस या फिर ऑब्जेक्टिव है। इससे ज्यादा डिटेल में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ICSI functions under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs। ये आप ध्यान रख सकते हैं कि ICSI है जो वो गवर्निंग बॉडी फंक्शन करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हमने ले लिए प्रोफेशन से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टेक्निकल एजुकेशन के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। सो जो टेक्निकल फॉर्मल टेक्निकल एजुकेशन थी उसको हम डेट बैक कर सकते हैं मिड 19th सेंचुरी से काफी ज्यादा टेक्निकल एजुकेशन में इंप्रूवमेंट्स आया था। और इसका पर्पस ये था कि हम ये कोशिश कर रहे थे कि जो भी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वेदर इट बी इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक बिल्डिंग, रोड्स, कैनाल्स, इन सबसे रिलेटेड जो भी क्राफ्ट्समैन आएंगे या जो भी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग आएगी उसमें हम प्रॉपरली फोकस कर सकें ताकि हमें किसी और कंट्री पे या किसी और पे डिपेंडेंट ना होना पड़े और हम खुद ही इन सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर एज वेल एज प्रोड्यूस कर सकें। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने का। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक डिटेल तो नहीं है बिकॉज मिड 19th सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं, बट एक इंडस्ट्रियल स्कूल स्टैब्लिश एट गुंडी मद्रास इन 1842 को कहा जाता है कि दिस वॉज नोन एज टू बी वन ऑफ द फर्स्ट ऑथेंटिक अकाउंट फॉर द प्रमोशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो इसको आप याद कर सकते हैं। ऑल्सो जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था एजुकेशनल डिग्री या कह सकते हैं फॉर्मलाइज डिग्री इन टेक्निकल एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जी गोज टू यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस एंड द पर्सन हु वाज इन्वॉल्व वाज पंडित मदन मोहन मालवीय। आई एम श्योर कि इसका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना है क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है टेक्निकल एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करने के लिए। सो ये हमने कुछ बेसिक यहाँ पे बात कर ली टेक्निकल एजुकेशन के बारे में। अब बात करते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या इनिशिएटिव्स लिए गए थे या क्या क्या काम किया गया था इन ऑर्डर टू प्रमोट टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन हुआ था 1902 में और ये इसलिए किया गया था ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट कर सकें। इशू ऑफ द इंडियन एजुकेशन पॉलिसी रिजोल्यूशन इन 1904 एंड द गवर्नर्स जनरल पॉलिसी ऑफ स्टेटमेंट 1913। सो ये तीनों इनिशिएटिव्स इसलिए लिए गए थे ताकि आप टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट कर सकें। साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस भी स्टैब्लिश किए गए थे जैसे कि आईआईसी बैंगलोर का नाम आपने सुना होगा, इंस्टीट्यूट फॉर शुगर, टेक्सटाइल एंड लेदर टेक्नोलॉजी इन कानपुर एंड इंडस्ट्रियल स्कूल्स इन सेवरल प्रोविंसेस। तो यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्री इंडिपेंडेंस पीरियड पे ही काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए जाने लगे थे टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। साथ ही साथ टेक्निकल एजुकेशन का पर्पज़ ये होता है कि जो भी आपने बेसिक साइंस या फिर मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स को पढ़ा है उसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखा पाए स्टूडेंट्स को। तो जब तक आप इन बेसिक कंसेप्ट्स को या फिर साइंस के कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम कुछ भी नया फॉर्मुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम था। आगे बात करते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन का फोकस सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को बनाने पे नहीं है जबकि रैदर इट इज़ बेसिकली अ पर्पस टू बिल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जब हम इन प्रैक्टिकल स्किल्स को एक्चुअली प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं तो इनडायरेक्टली और इसको प्रमोट करते हैं तो इनडायरेक्टली हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में एक स्किल मैन पावर को जन्म देगा या फिर आप कह सकते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी एज वेल एज क्वालिटी इन्हांसमेंट करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है टेक्निकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ एग्जाम्पल्स के फॉर्म में देखें, इंजीनियरिंग हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो गई, मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हम टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे हमारे पास इंस्टीट्यूट्स भी हैं जैसे कि हमारे पास आईआईटी बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं, देन हमारे पास बंगाल इंजीनियरिंग साइंस यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में है, अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस तमिलनाडु में है। तो ये कुछ टॉप एरोनॉटिकल स्कूल्स इन इंडिया हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं टेक्निकल एजुकेशन को। सिमिलरली हमारे पास कुछ टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं दैट इज आईआईएम बैंगलोर हो गया, आईआईएम अहमदाबाद हो गया, आईआईएम कैलकाटा हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में पता है कि हम चाहे किसी फील्ड में भी हों हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि 1932 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एक इनिशिएटिव लिया था जहां पे उन्होंने पहली बार फार्मास्यूटिकल स्टडीज से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस या फिर एक्ट को लाए थे ताकि फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज को या कह सकते हैं फार्मेसी रिलेटेड स्टडीज को भी प्रमोट किया सके। तो यहाँ पे उन्होंने फार्मेसी एक्ट 1948 एंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया 1949 ये दो चीज़ों को स्टैब्लिश किया था जिसके थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा फार्मेसी में एजुकेशन प्रमोट कर रहे थे। इससे कुछ रिलेटेड लैंडमार्क डिटेल्स भी हैं जैसे कि 1943 1993 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन कमिटी ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेटअप किया गया था। 1944 में प्रिपरेशन ऑफ सार्जेंट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट बनाई गई थी टेक्निकल एजुकेशन पे। एंड 1945 में फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दैट इज AICTE। सो ये अभी भी स्टैब्लिश्ड बॉडी है और सबसे मेन रेगुलेटरी बॉडी है फॉर द रेगुलेशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो ये कुछ लैंडमार्क चीजें हुई थी, ये मेजरली हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसको एक बार बस रीड कर लीजिए ताकि अगर कभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे मैचअप कर सकें। अब जो AICTE का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, इसका मेजर पर्पस ये था कि एक प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन बनाया जाए थ्रू आउट द कंट्री, ताकि जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंडिया में अलग अलग जगह एस्टैब्लिश हैं उनके बीच में एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट किया सके, साथ ही साथ एक बेसिक स्टैंडर्ड भी सेटअप किए जा सके। सो ये उसका बेसिक पर्पस था और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं वो भी इसी ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया था कि आप सारे नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स बना लीजिए ताकि एक तरीके की यूनिफॉर्मिटी रह सके थ्रू आउट इंडिया। सो ये मेजर पर्पस था AICTE ऑर्गेनाइजेशन को लाने का। आगे बात करें कि जो AICTE ऑर्गेनाइजेशन था वो उसने कुछ काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी किए थे अलग अलग फील्ड्स में, रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। एक बार उसको जल्दी से ब्रीफली देख लेते हैं। इंजीनियरिंग के एरिया में, टेक्नोलॉजी के एरिया में, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, मैनेजमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कुछ एरियाज हैं जिसमें टेक्निकल एजुकेशन प्रमोट किया है ICTE इंस्टीट्यूट ने। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज स्किल बेस्ड एजुकेशन। अब मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है इस टाइम पे। जैसे कि हमने सुना, आपने स्किल इंडिया मिशन के बारे में सुना होगा, जहां पे सारा का सारा फोकस ये है कि जो यूथ है उसको कुछ स्किल्स इम्पार्ट की जाए ताकि जैसे ही वो कॉलेज से निकले वो जॉब पा पाएँ। तो जो अल्टीमेट पर्पस है इन सारी एजुकेशन का वो ये है कि एटलीस्ट आपके पास अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है और इस ट्रेनिंग को हम वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर वोकेशनल एजुकेशन भी कहते हैं, जहां पे अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक नॉलेज आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज या फिर स्किल्स इंपार्ट कराई जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कि अगर स्कूल टाइम से ही या फिर कॉलेज टाइम से ही अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाए, तो जब भी आप कॉलेज से निकलते हैं, आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, आप फुल टाइम काम करना चाहते हैं, तो आप इन सब एरियाज में जा सकते हैं। सिमिलरली, अगर मैं कारपेंटर्स की बात करूं, प्लम्बर्स की बात करूं, तो ये सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो प्रोवाइड कराई जा रही हैं स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो बहुत ज़्यादा वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट कर सकें और आपको तुरंत जॉब मिल पाए। सिमिलरली, वुमेन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ताकि उनकी भी कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। इवन डिसेबल्ड एंड डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स को भी वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, ताकि एटलीस्ट आपके पास अगर कुछ स्किल्स होंगी, अगर आपके पास कुछ नॉलेज होगी, तो आप उसका यूज करके जॉब्स को ले पाएंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ वोकेशनल स्किल बेस्ड ट्रेनिंग आर कारपेंटिंग, सुइंग, ब्यूटिशियन का कोर्स कराया जा रहा है वेमेंस को, टाइपिंग एंड ड्राइविंग। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब उबर जो है, उबर एंड ओला जो है, वो विमेन ड्राइवर्स को भी हायर कर दिए। तो ये सब सारा का सारा वोकेशनल एज वेल एज स्किल बेस्ड एजुकेशन के बाद ही पॉसिबल हो पाया है। सो आप देख सकते हैं कि जो तीनों चीज़ें हमने आज कैटर करी है, दैट इज योर प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एज वेल एज स्किल एजुकेशन, उसका बेसिक पर्पस ये है कि हम इंडिया की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा पाएँ। और जब हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे तो ही हमारी कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर बढ़ने लगेगी। आगे बात करते हैं, कुछ बॉडीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं जिनके बारे में आपको फुल फॉर्म और बेसिक कुछ पता होना चाहिए। तो कुछ की बॉडीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो स्किल इन्हांसमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो पूरा का पूरा एजुकेशनल सेटअप देखती है कि किस टाइप के नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए थ्रू आउट इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरिया से रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स होने चाहिए ये मिनिस्ट्री देखती है। एंड अदर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज हो गई। अब कुछ इनेबलर्स या कह सकते हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो चीजों को प्रमोट करते हैं, दैट इज स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, NSDC दैट इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NSDA दैट इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, SSCs दैट इज सेक्टर स्किल्स काउंसिल्स, NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अभी हमने बात करी थी कि वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोट किया जाएगा। SCVT दैट इज स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, योर लेबर लॉज, योर मिनिमम वेजेस एक्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अप्रेंटिसशिप एक्ट। सो ये जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस करी इनेबलर्स, ये एक तरीके से स्टेप्स या फिर इनिशिएटिव्स कह सकते हैं आप, उन बॉडीज़ ने लिए हैं, की बॉडीज़ ने, ताकि जो भी हमारा टास्क है टेक्निकल एजुकेशन या फिर स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। आगे बात करते हैं कुछ इंप्लीमेंटिंग बॉडीज हैं जो देखेंगे कि एक्चुअली जो नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स बनाए गए हैं या जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो एक्चुअली इंप्लीमेंट हो, दैट इज आईटीआई, दैट इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स. देन यू वी हैव ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, कैप्टिव ट्रेनिंग बाय एम्प्लॉयर्स भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं स्किल इन्हांसमेंट के लिए. स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, असेसमेंट कंपनीज, ये सारी की सारी बॉडीज लगी हुई हैं रेगुलरली इंप्लीमेंटेशन में कि जो भी ऊपर से नॉर्म्स पुश किए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा वो स्कूल में एप्लीकेबल हो. अब बेनिफिशियरीज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी मेन टारगेट ऑडियंस क्या है या फिर किसको हम बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं मार्जिनलाइज सोसाइटीज के बारे में. सो जो भी बैकवर्ड ग्रुप्स हैं या फिर अंडर प्रिविलेज ग्रुप हैं, सबसे ज़्यादा टारगेट ऑडियंस वो है गवर्नमेंट की, क्योंकि वो एक ऐसे लोग हैं जो एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज, लैक ऑफ रिसोर्सेज कह सकते हैं आप. तो अगर इनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, इनको ये टेक्निकल एज वेल एज स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाएगी, सो ये अपनी लाइवलीहुड को बहुत आसानी से अर्न कर पाएंगे. अनएम्प्लॉयड यूथ है, चाहे आप एजुकेटेड यूथ की बात करें या आप अनएजुकेटेड यूथ की बात करें, अगर प्रॉपर स्किल्स नहीं है तो प्रॉपर जॉब्स नहीं है, सो इसलिए काफ़ी ज़्यादा फोकस इन पे भी है. लो इनकम ग्रुप्स हो गए जो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं यूज़ कर पाते, या फिर अगर उनके पास आइडियाज़ भी हैं तो उनके पास फंड्स की कमी है. स्कूल्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा आजकल आइडियाज़ आ रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप मिशंस प्रमोट किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, ताकि जो भी उनके स्टार्टअप्स आइडियाज़ हैं उनको पंख दिए जा सके और उनको हम एक्चुअली एग्जीक्यूट कर सकें. सो ये कुछ टॉपिक्स आज हमने कवर किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. आई होप कि ये जो आज हमने एक डिस्कशन किया है इस सेशन में ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए. अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अपनी क्वेरी बता सकते हैं और हम उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. अगर आप चाहें तो वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. उस पर हम रेगुलर क्विजेस, पीडीएफ्स एज वेल एज वीडियो शेयर करते रहते हैं. अगर आपको हमारा कोर्स पसंद आया और अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमारा कोर्स हेल्पफुल होगा तो आप अपनी हमारी वेबसाइट पर जाके हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं. टिल देन कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे.